भ्रष्टाचार के खिलाफ असम में अभियान जारी है। पिछले 24 घंटे में रिश्वत लेते हुए 5 सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। आज कलियाबर, गुवाहाटी और ग्वालपाड़ा में 3 सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए हैं। कलियाबर में 2000 का रिश्वत लेते लाट मंडल अरेस्ट हुआ। भ्रष्टाचार निरोधक दल ने लाट मंडल प्रांजल बोरा को गिरफ्तार किया। भूमि नाम जारी करने के नाम पर लाट मंडल 2000 रुपये की रिश्वत ले रहा था और उसी दौरान उसकी गिरफ्तारी हुई। और उधर गुवाहाटी से भी एक सरकारी कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के सहायक विद्याधर दास पेंशन की फाइल को आगे पहुंचाने के लिए रिश्वत ले रहा था और उसी दौरान विजिलेंस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं ग्वालपाड़ा में शिक्षा खंड के अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। माटिया प्राथमिक शिक्षा खंड के अधिकारी बजरूल सरकार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।